नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक और रैपिड सीरीज अनुसंधान और खोज, ये अनुसंधान और खोज से रिलेटेड आपके एक रैपिड सीरीज को मैं करने जा रहा हूं। इसमें ध्यान रखेंगे, एग्जाम से पहले ये सारा आपके लिए एक बूस्टर डोज का काम करने वाला है। सारे जितने आपके रैपिड सीरीज बने हुए हैं उनकी सारी प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बनी हुई है, उन सारे प्लेलिस्ट को आप जाकर के फॉलो करिए, वहां से आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक रैपिड सीरीज में आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो आंसर आपका ग्राहम वेल हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था, यह बात आपको पता ही है। न्यूट्रॉन की खोज आपको पता है जेम्स चैडविक ने, ध्यान रखिएगा, यह जवाब आपका हो जाएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार आपके लेविस वाटरमैन ने किया था, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑटोमोबाइल की बात करूं तो कार्ल ब्रेज ने आपके ऑटोमोबाइल का आविष्कार किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। और ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन की खोज और आपके नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज आपने बताया था जे.जे. थॉमसन ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। वायुयान का आविष्कार आपके राइट ब्रदर्स ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार ई. टॉरिसली ने किया था, यह बात ध्यान रखेंगे। ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपके जो किया था वो विलियम शाकले ने किया था, यह बात ध्यान रखिएगा। रडार का आविष्कार अगर मैं बताऊं तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। पीरियोडिक टेबल आपके पता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। टेलीविजन जो यांत्रिकी वाला है वो जेएल बेयर्ड, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। परमाणु संरचना, अगर परमाणु संरचना की बात करी जाए तो आपके रदरफोर्ड ने, नील्स बोर का भी इसमें योगदान आता है, एक बात ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकता के नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम दिया था, ठीक है। नेत्रहीनों के लिए पढ़ने लिखने की जो लिपि होती है उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, और ये आपके लुईस ब्रेल के द्वारा विकसित किया गया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने, ध्यान रखेंगे। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, माइक्रोफोन का आविष्कार भी आपके ग्राहम बेल का इसमें योगदान रहा था। हेलीकॉप्टर ओमिशेन ने, ए हो ओमिशेन ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू सी रॉन्जन ने एक्स किरणों की खोज की थी। परमाणु विखंडन की बात हो रही है, परमाणु विखंडन जो था वो आपके कौन था, तो वो आपके रदरफोर्ड का इससे संबंध आता है। टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। थर्मस फ्लास्क का संबंध आपका डेवार से है। इलेक्ट्रिक बल्ब एडिशन की बात हो जाती है। साइकिल का आविष्कार आपके के मैकमिलन ने किया था, पूछा जाता है कई बार। रिवाल्वर का आपके सैमुअल कोल्ट ने, यह भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने, ठीक है। बात करेंगे पेंसिलिन की खोज, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यह भी सही जवाब आपका यहां पे हो जाएगा। परमाणु बम किसके द्वारा विकसित, तो आपके जे.जे. थॉमसन, सॉरी यहां पर आपका परमाणु बम की बात हो रही है, तो आपके ऑटो हॉर्न ने। चलिए, रेडियो धर्मिता की अगर मैं बात करूं तो आपके रेडियो धर्मिता की खोज जो की थी ना, वो की थी आपके किसने, रेडियो धर्मिता मैडम क्यूरी की बात करेंगे यहां पर, ध्यान रखेंगे। और आपके रेडियम की खोज भी आपके किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करेंगे तो माइकल फैराडे आपका सही जवाब हो जाएगा। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहां पे है, करनाल आपके हरियाणा में। राष्ट्रीय विषाणु जो आपका संस्थान अनुसंधान संस्थान पुणे में है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान आपके मुंबई में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में है, आईसीएमआर के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपके बी नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में। भारतीय केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान आपके अविकानगर में है, यह बात ध्यान रखिएगा। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की अगर मैं बात करूं तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपके जो है, सॉरी, ये आपका जोधपुर में है। बीकानेर गलत आंसर है, जोधपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा में है, मखदूम के पास। भारत में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपके लखनऊ में है, यह भी बात ध्यान रखिएगा, ठीक ना। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपके कानपुर में है। भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपके 46 नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपका जो भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है आपके लखनऊ में है, यह भी ध्यान रखिएगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान आपके नागपुर में है।
केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपके मैसूर कर्नाटक में है, यह बात ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मसाला यानी भारतीय मसाला आपके केरल में, ध्यान रखिएगा, यह भी केरल का जवाब है। केंद्रीय नारल आपके कासरगोड, यह भी आपके केरल में ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। केंद्रीय तंबाकू आपके आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में, यह बात ध्यान रखिएगा बी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान के बारे में अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान आपके ए चेन्नई में। भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान के बारे में मैं बात करूं तो आपके कोलकाता, बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है, ठीक है, और भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान आपके देहरादून में, यह भी बात ध्यान रखिएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र आपका जैसलमेर है, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के बारे में तो बागवानी आपका बेंगलोर में है, 57 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो बेंगलोर हो जाएगा। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके पुणे में है, तो ये टोटल आपके किससे रिलेटेड रहे तो आपके अनुसंधान और खोज से रिलेटेड रहे। ध्यान रखेंगे इसी तरीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अपने अगर तैयारी को आप एक धार देना चाहते हैं तो इधर आप मुश्किल से 7 से 8 मिनट की वीडियोस होती हैं ये सारी, तो उन 7 से 8 मिनट में सारी चीजों को आप चाहेंगे तो रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके के जितने आप वीडियोस को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको मैं कल तक ले आऊंगा, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।